यहाँ पे जिसके बच्चे नहीं होते ना, हाँ जी जिन्होंने 20-20 साल हो गए ठोकर खाते हुए, हाँ जी कहीं भक्तों के कहीं और माइयों पे, चाहे उनके यहाँ दुखती है या नहीं दुखती, अगर एक बार उन्होंने मत्था टेका है तो उसकी मैया ने झोली भरी है। हमारे बुजुर्ग यहाँ आते थे मत्था टेकने के लिए, हम भी आए हुए हैं और बड़ी आस्था इस देवी में, इसने सब कुछ दिया हमें, सब कुछ दिया। हाँ जी नागा बाबा जो पाथरी वाली माता को लाए थे, जिन्होंने इनको बचाया था और जो माता के गुरु माने जाते हैं, यहाँ आज इतनी भीड़ नहीं है, अन्यथा पंडित जी एक बार दर्शकों को बताइए यहाँ कितनी भीड़ भी होती है। यहाँ जी तिल रखने की भी जगह नहीं होती, करोड़ों में गिनती है ना, लाखों में नहीं करोड़ों में, कई कई किलोमीटर तो लाइन हो जाती है लंबी। भाई दूर दूर तक कितनी दूर तक भी लोग सुने हैं, तो बहुत दूर दूर तक बड़े पानी तक भी आवा। माता की सेवा में कै साल से हो? मैं तो असली पूछे तो बचपन से हूँ। बचपन से हो। नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम भारत के हरियाणा राज्य के जिला पानीपत और एक गांव है पाथरी। ये पाथरी गांव मशहूर है माँ पाथरी वाली के नाम से, दूर दूर तक भारत में लगभग हर कोने में इनको लोग जानते हैं, इनको माँ धूतनी भी कहते हैं। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं ऐसे समय में जब यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, अगर मेले का समय हो या कुछ विशेष दिन हो तो यहाँ तिल रखने की जगह भी नहीं मिलती, आदमी खड़े होने की तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों हमारे साथ हमारे भाई साहब हैं, इनका परिचय प्राप्त करते हैं और पाथरी वाली माता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता है और सभी भारतवासियों को जिसके बारे में पता होना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी मैं पाथरी धाम पे मैया का सेवादार हूँ। माता का स्थान कहाँ से है, कहाँ से शुरुआत हुई? माता पाथरी वाली सोन गुजर की लड़की है, उन्होंने उसको गोदी में ले रहे थे, खिला रहे थे उसको। सोन गुजर कहाँ के थे? जी बंगाल देश के थे। बंगाल के। वो उसको अपनी गोदी में खिला रहे थे। ठीक है। तो कभी वो लंबी बन जाए कभी छोटी बन जाए। अच्छा। तो वो डर गए। अच्छा। उन्होंने दोनों मियां बीबी को डरते हुए उन्होंने कोई ये कहा कि कोई अवतार चीज है या कोई भूत प्रेत कोई विद्या है, तो इनको कुएं में डाल दिया। डाठा कुआ था वो। ये कैसा होता है डाठा? मतलब कुएं का नाम था, नाम था डाठा कुआ जी, क्योंकि माई जिसमें भी खेलती है जयकारा लाती है उसका डाठे कुएं का। अच्छा। बोल रहे मेरे डाठे कुएं की, तो उसमें वो डाल दी। अच्छा। तो नांगे बाबा यात्रा करते चल रहे थे। अच्छा। तो उनको प्यास लगी। हाँ। प्यास लगी तो उन्होंने अपनी तुम्बी कुएं में छोड़ी, तो वो उसको खींचने लगे। हाँ। तो उसको खींच नहीं पाए। तुम्बी यानी कि इसमें पानी वानी भरते हैं? हाँ जी हाँ जी, साधु संत वो मंडल बोलते, कमंडल कमंडल भी बोलते, तुम भी बोलते। उसको खींचने लगे तो मैया खींचने नहीं दे रही थी उसको, वो भी जोर लगा रही थी, वह भी जोर लगा रही थी। तो नून से शक्ति वो छोड़ते थे, नून से कुएं में सेवा छोड़ती थी। जहाँ तक भी मान ले बाबा ने मियाँ को कैद कर लिया अपनी शक्ति द्वारा, उसको बाहर निकाला, उसको डिबिया में रोक ली, डिबिया में कैद करके बाबा ने अपनी चुटिया में लपेट के चल पड़े वहाँ से। अच्छा। तो वो चलते 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 तरखू पा जाते हैं तीर्थ में। सीख और पाथरी के बीच में ये तरखू है तीर्थ। तीर्खु तीर्थ महाभारत कालीन यहाँ से कुछ ही एक दो किलोमीटर ही दूर है और प्राचीन महाभारत कालीन, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाभारत के समय पांडव वहाँ पर आए थे जी और वे बेहोश हो गए थे, तो वो प्राचीन तीर्थ है तीर्खु जी। अच्छा। तरखु पे आ गए, तरखु पाते ही उन्होंने अपना धूना चेतन कर लिया, चिमटा गाड़ लिया अपना। अच्छा। तो वहाँ ये जी सेवक थे मैया के नत्थू और भगतू, ये पाली थे पशुओं के, भैंस चराते थे। ठीक है। तो वहाँ पे कुई भी थी। अच्छा। और वहाँ पे चिमटा गाड़ के बैठ गए, तो नत्थू भक्तू पाली थे, भैंस चराते थे। अच्छा जी। वो भैंस चराने के लिए आए तो किस गांव के थे वे? वे एक पाथरी का था और एक सीख, एक सीख का था। सीख का। तो वो बाबा के पास आ गए, बोले बाबा आदेश। उन्होंने नागे बाबा की जब तिरकु तीर्थ पर आए तो सेवा शुरू कर। तो बाबा ने एक दिन प्रसन्न होकर पूछा कि बोलो बच्चा तुम्हें क्या दूं? अच्छा। तो वो बोले बाबा जो आप देना चाहो। अच्छा जी जी। तो उन्होंने वो चुटिया से डिबिया निकाली। हाँ। और वो नत्थू को दे दी। अच्छा। नत्थू से बोलने लगे कि इसको डिबिया को खोलना मत, इसी में से काम लेना, जो भी आप बोलोगे आपका यह काम स्वयं करेगी। तो नत्थू उसको घर ले गया। नत्थू की बहू थोड़ी सीधी बोली थी, उसकी पत्नी सीधी बोली थी, उसने सोचा कि इस डिबिया को खोल के देखो इसमें चीज क्या है।
तो उन्होंने वो खोल दिया, तो वो उसमें डिबिया में से निकल के उसने पूरे सिख गांव में पटमेली मचा दी। अच्छा। जैसे कि गाय आ गई, गाय मार दी, हाँ भैंस आ गई भैंस, तो एक आदमी को फूका हुआ एक अगम रह पावा, एक आदमी फूका हुआ एक अगम रह पावा। अच्छा जी जी, पूरे गांव में पटमेली मचा दी, तो अफरा तफरी कह रहे हैं। हाँ जी, तो वहाँ का पंचायती आदमी था सिंगा जाट। अच्छा जी, गांव का पंचायती आदमी सिंगा जाट था। तो सिंगा जाट बोला कि मान ले बाबा की ये सेवा करार, देखो बाबा ने इन तक कुछ चीज इसी दी भूत प्रेत, जिन्होंने पूरे गांव में तबाही मचा दी। तो उसको पंचायत कर ली, पंचायत में ये नथु भगतू बुला लिए, तो इनको गामली काड़ा देने लगे। अच्छा जी, जो सिंह जाते भाई तुमने को भूत विद्या बाड़ी, तो इसको गामली काड़ा दे दो। तो नथु बोला कोई ऐसी चीज नहीं, कोई अवतार चीज है। वो बोला अगर अवतार चीज है तो मेरे माँ के दिखाओ, मेरे में प्रसन्न होके दिखाओ। तो उसके बावजूद वह माई इसमें खेली थी सिंह जाट में। अच्छा जी, सिंह जाट में खेली, तो सिंह जाट में खेल के नु बोली आज के बाद मतलब कोई भी पूरे गांव में किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, ना कोई भैंस मरेगा ना कोई आदमी मरेगा। अच्छा, मेरे को स्थान दो। अच्छा, अड्डे के ऊपर आज भी मंदिर है वहाँ। अच्छा, मंडी है। हाँ। जैसे ये है ओडी मंडी है। अच्छा, माता पाथरी वाली की। अच्छा। वहाँ मेला भरने लगा, वहाँ थी भीड़, भीड़ की जगह थी, सड़क पर जगह कम थी। अच्छा। तो इसने फिर सिंगे में आके बोला कि यहाँ तो भीड़ रहती है, यहाँ पूरी तरह मेला नहीं, मैं पूरी दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में दुखना चाहती हूँ, मैं पूरी दुनिया को पता लगे, पता लगे कि कोई पाथरी वाले भी कोई चीज है, जगह भी हो। हाँ, पाथरी वाले भी कोई चीज है, मैं दुनिया का भला करूंगी जी। तो फिर सिंह जाट में खेल के उसने यहाँ पाथरी खेड़े का भवन माना, यहाँ तो मानूंगी सिंह की और यहाँ कुआऊंगी पाथरी खेड़े की। अच्छा, तो यहाँ भी जंगल था, बियाबान था, तो माई यहाँ आके बैठ गई, मंडी बना दी, ठीक है, इसका भवन बना दिया। तो सिंह जाट के बच्चे नहीं हुआ करते, उनकी लगभग 35-40 साल की उम्र थी। हाँ। तो बच्चा कोई नहीं था। हाँ। जब इन्होंने कहा था रे सिंह पाथरी में मेरे को स्थान दे दे। हाँ। मैं तेरे को लड़का दूंगी। हाँ। तब उसका बुढ़ापे में जाके लड़का दिया था। अच्छा जी जी, ये जो इसको मानते हैं ना, हर इंसान को पता है स्टोरी का, इस स्टोरी का। सब ये जोड़ा क्यों है माता का? माता जोड़ा इसलिए है जी, ये क्योंकि ये जोड़े में चलती है, चुगान वाली के, मदान वाली के जोड़े में, चुराहे वाली के, पाथरी वाली, ये दोनों बहन हैं, और चुगान की निशानी जैसे चुराहे वाली। तो बाबा जो नागे सादेव थे वे दोनों को लाए थे? नहीं नहीं, एक को लाए थे। हाँ, एक को लाए और दूसरी साथ रहती हमेशा। हाँ जी, दूसरी हमेशा अकेली नहीं चलती है। अच्छा जी, जिसमें प्रवेश होती तो जोड़े में, जोड़े में दूसरी को क्या होता है, माता चुगान वाली, चुगान वाली, चुराहे वाली, जो हर गाँव में हर शहर में चुराहे से चलती है, मदानन बोलते हैं इसको। एक पहचान कैसे होती है कि भाई माता कौन सी है? इनमें से एक लंबी है, एक थोड़ी छोटी है। ठीक है जी, ये पाथरी वाली है और चुगान वाली है। तो देखिए दोस्तों, पाथरी वाली तो बाद में नाम पड़ा इनका, वैसे असली नाम इनका माता धूतनी है, धूतनी है जी। ये माता धूतनी जो थोड़ी सी कद में लंबी है, और ये इनकी सिस्टर, इनकी बहन चुगान वाली, चुगान वाली, चुराहे वाली, चुराहे वाली, मदान वाली, मदान वाली भी बोलते हैं, चुगान वाली भी, चुगान वाली। और ये देखिए भव्य मंदिर दोस्तों, काफी 25-30 साल पहले यहाँ पर ये पंचायत के द्वारा बनवाया गया, और हमारे भाई साहब यहाँ कितने वर्ष से माता की साये में हैं? जी मैं 11 साल से माता की सेवा कर रहा हूं। माता की सेवा 11 साल से। यहाँ आज इतनी भीड़ नहीं है, अन्यथा पंडित जी एक बार दर्शकों को बताइए यहाँ कितनी भीड़ भी होती है। यहाँ जी तिल रखने की भी जगह नहीं होती, करोड़ों में गिनती है, लाखों में नहीं करोड़ों में, कई कई किलोमीटर तो लाइन हो जाती है, ऐसा भी कम से कम भी आप मानो यहाँ 6-7 किलोमीटर दूर गांव है। हाँ जी। वहाँ तक लाइन गाड़ियों की लाइन। ये विशेष तौर से ये किन दिनों के में होता है सर? ये जी साढ़ और चैत में, साढ़ और चैत जो हमारे हिंदू माई के मेले लगते हैं, महीने हैं, और ये उसमें लगता है। हाँ जी, ये पूरे पूरे दो महीने यही हाल रहता है, जो दो महीने यही हाल रहता है। अब तो जी काफी फैसिलिटी कर दी। हाँ जी, है ना। हाँ जी, सौंदर्यकरण देखिए, शेड वगैरह धूप में ना लगे लोगों को दिक्कत ना हो, धर्मशाला, लैट्रिन, बाथरूम सभी, कितने भी यात्री हो हर यात्री को ठहरने के लिए सुविधा किसकी है। बहुत सुंदर काम कर रही है। तो ये किसका काम है जो ये करवा रही है? ये कौन लोग? पंचायत जी, पंचायत हमारी पाथरी वाली। हाँ जी, अब तरखू पे मंदिर बनने लग रहा है, इतना ही बड़ा माता का जी, दूतनी का, माता पाथरी वाली का। जिनको जानकारी है पहले वो मत्था टेकने तीर्थ पे जाते हैं, ठीक है, तीर्थ पे मत्था टेक के फिर यहाँ पाथरी आते हैं। अच्छा जी, क्योंकि तो पहले तो वहीं आई थी माता तीर्थ पे जी, तरखू तीर्थ पे आई थी, पहले तीर्थ पे मत्था टेक के फिर यहाँ
शास्त्रोक्त जो तरीका है माता के दर्शन का वो ये है जो आपने बताया। तीर्थों में जैसे कि हमने अभी जिक्र किया, तीर्थ है प्राचीन ऐतिहासिक, खाने की भी सुविधा है यात्रियों के लिए, भंडारे भी लगते हैं। अच्छा जी जी, पंचायत की तरफ से भी भंडारे लगते हैं। बहुत बढ़िया, तो माई की फुल कृपा है जी, सब फुल कृपा जी। एक चीज, जैसे माई खाली बच्चों के लिए खास मानी जाती है जी या सभी के लिए है? सभी के लिए जी। बच्चों की तो मुराद, मतलब बच्चों की तो दिक्कतें दूर होती है यहाँ हमने सुना है। होती है जी। और बाकी जैसे कोई बड़ों की भी जो मान्यता है, मनोकामना होती है, वे भी पूरी होती है? वो भी पूरी होती है जी। जिन्होंने मान ले यहाँ मत्था टेका है ना, और जो कुछ झोली फैला के मांगा है वो उसको मिला है। यहाँ पे जिसके बच्चे नहीं होते ना, हाँ जी, जिन्होंने 20-20 साल हो गए ठोकर खाते हुए, हाँ जी, कहीं भक्तों के कहीं और माइयों पे, चाहे उनके यहाँ दुखती है या नहीं दुखती, अगर एक बार उन्होंने मत्था टेका है तो उसकी मैया ने झोली भरी है। ऐसे समय में हमने जानबूझ के वीडियो बनाने का फैसला किया कि कोई भी ना हो, ताकि पूरा मंदिर भव्यता अच्छे से दिखाई जा सके, अन्यथा आपको पता है तिल भी नहीं रख सकते, इतनी भीड़ होती है। दो हमारे साथ भक्त आए हैं, आप करनाल से आए जी? हाँ जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट। और आप भी जी? हाँ जी। माई में कब से आस्था है पाथरी वाले? शुरू से ही है जी, हमारे तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग भी यहाँ मत्था टेकने आते हैं। हमारे बुजुर्ग यहाँ आते थे मत्था टेकने के लिए, हम भी यहाँ आए हुए हैं, और बड़ी आस्था इस देवी में, इसने सब कुछ दिया हमें। सब कुछ दिया? हाँ जी। और ऐसा मानते हैं कि जो आपका ठीक चल रहा है वो सब कुछ इसी के कारण, इसी की दया से, इस भगवती की कृपा से आज यहाँ बैठे हैं, इसने बुलाया हमें। शुरू से हम, पता नहीं कितनी पीढ़ी से हम यहाँ मत्था टेक रहे। हमारे बच्चों में कभी जैसे औरों में जैसे दौरे वोरे की समस्या नहीं, आपके परिवारों में कभी नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होया। यहाँ पुत्र देने पुत्र दायिता है भगवती, इसकी दया से हम यहाँ पैदा हुए। हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं भाई पाथरी वाली शीतला माता की दया से हमारे जन्म हुआ। अच्छा, हाँ, आपके बुजुर्गों ने आपको माता से मांगा था, हाँ, तब जन्म हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो यही वजह है कि आप भी भक्ति माता को विरासत मिली? हाँ, वंश बढ़ाने के लिए विशेष इस भगवती के विशेष है जी। हाँ जी, ये देखिए जी माता की कृपा, जो एक बोलते हैं जैसे पंडित जी ने बताया कि वंश वृद्धि करने वाली माता माना जाता है पाथरी वाली को। और हमें बाई चांस दो भक्त भी मिल गए, हमने उनसे पूछा, उन्होंने भी हमें यही बात बताई कि इनके पूर्वज और ये भी सब माता की कृपा से ही चल रहे हैं, इन्हीं की सब देन है। देखिए दोस्तों, वही नथु सेवादार और भक्तु सेवादार जिनके बारे में पंडित जी जिक्र कर रहे थे कि जो माता की और नाग्य साधु की जिन्होंने सेवा की थी और फिर माता उनके साथ रहने आई थी, और ये वो सिंघा जाट की भी समाधि यानी कि पितृ रूप में उनकी यादगार बनाई हुई है, जिन्होंने माता के चरणों में ये सब यहाँ पर, हाँ, जो ये माता के दर्शन स्थान है, जिन्होंने माँ की सेवा की और इस कारण ये भी माँ के साथ ये भी अमर हो गए हैं। ये नागा साधु जो बाबा थे, ये वो रहे नागा बाबा जो पाथरी वाली माता को लाए थे, जिन्होंने इनको बचाया था, और जो माता के गुरु माने जाते हैं वे नागा साधु। ये नागा साधु वास्तव में प्राचीन समय में बहुत शक्तिशाली और तपस्वी साधु होते थे। जैसा कि आपको पता होगा, जो पांच बावरियां हैं हमारे, उन्हें भी जो अथाह शक्ति दी थी और जो कई लाख की मुगल फौजों से लड़ गए थे, उन्हें भी शक्ति देने वाले नागा साधु ही थे। यही नागा साधु जिनकी धूना हमेशा जलता रहता है, इनका त्रिशूल इनकी पहचान होता था, भस्म रमाए हुए शिव भक्त होते थे। तो ये देखिए इनकी समाधि यहाँ पर भी है। से हो पाथरी से? माता की सेवा में कैसे साल से हो? मैं तो असली पूछे तो बचपन से हूँ। बचपन से हो, सब कुछ जो मानते हो माता की कृपा से ही है, हो रहा है उसकी दया। उसकी दया माई, दूर दूर तक कितनी दूर तक भी लोग सुने ये तो बहुत दूर दूर तक मेरे और तक के भी तो काले पानी तक भी आवा फिर दूसरे टापू अंडमान निकोबार थे। हां, दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक आवा। ये देखो जी, माई की शरण में रहने वाली हमारी ताई जी, ताई जी क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी 40 सालों से माई की शरण में है, यहीं पर रहती हैं।